हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको गोभी बटर मसाला कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कम चीज़ों के इंग्रेडिएंट से ये बनके तैयार हो जाएगा। तो फिर चलिए इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली को थोड़ा सा पेस्ट जैसे बना के रख दिया है, लहसुन भी काट के रख दिया है, और अदरक और थोड़ा सा दालचीनी और बेलीफ पत्ता और लवंग, बादाम और गोभी, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, स्वाद अनुसार नमक और क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और प्याज हमने रफली कट के रख दिया है, और धनिया पत्ता और बटर और एक कप टोमेटो और कुक करने के लिए तेल। तो फिर चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल हॉट हो चुका था, अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स और बे लीफ और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और लवंग, और इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम प्याज डालेंगे इसे हल्का सा ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर रही हूँ। बीच में इसे ऐसे ही हिलाते रहे ताकि इवनली कुक हो जाए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रीन चिली, लहसुन और जिंजर की टुकड़े और पेस्ट, सब मिला देते हैं अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 1 कप टमाटर ले लिया है मैंने, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। और टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक इसे कुक करेंगे। अब टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें एक जार में निकाल देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के रख देते हैं। मैंने सेम कढ़ाई यूज़ किया है, फिर से 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच तक तेल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। और गोभी जो हमने 2 या फिर 3 बार इसे अच्छी तरीके से वॉश करके रख दिया था, अब इस कढ़ाई में गोभी को डाल देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब हम पकाएंगे तब ये आसानी से और जल्दी से सॉफ्ट बन के कुक हो जाता है। इसे बीच में इसे चलाते रहें। इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर दिया है ऐसे ही। गैस बंद कर दिया है मैंने अभी भी। हम इसे निकाल देते हैं गोभी को भी। अब हम सेम पैन यूज करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, बटर भी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हींग, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर
और थोड़ा सा जीरा और मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर से अच्छी तरीके से 20 to 30 सेकेंड्स तक इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा दिया था उसे भी डाल देंगे इधर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जो पेस्ट बचा है मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी यहाँ पे डाल देती हूँ। इतना थिक ग्रेवी बन के बेस जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब ये बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टरबेंस। और अब हम जो गोभी को हल्का सा फ्राई करके रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाइए जब तक गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे चपाती, रोटी या नान के साथ परोसिए। अब मैं इसे क्लोज करके रख दिया था 5 से 6 मिनट तक। अब ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है गोभी और अच्छी फ्लेवर भी आ रही है और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी डाल देते हैं गार्निश के लिए और फ्लेवर। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।